जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज 13 नवंबर 2022 है और आज आपका पालमपुर एआरओ का काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम जो है वो आर्मी अग्निवीर का हुआ है। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा गया है और अभी तक जो भी बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं, जो भी बच्चों के द्वारा भी क्वेश्चन बताए गए हैं कि किस टाइप से पेपर जो है वो पूछा गया था, तो उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही काफ़ी टच में था। काफ़ी ईजी पेपर जो है वो इस बार जो है वो आपका पूछा गया था। और आज हम बेसिकली जो है वो पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम बीकानेर, गंगानगर, एआरओ पालमपुर और हनुमानगढ़ जो आपके सेंटर थे, इनके पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली पूछे गए थे। कमेंट में आप अपना एआरओ और उस सेंटर के जो आपके क्वेश्चन रहे थे वो आप जो है वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उन क्वेश्चन को एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ जो है वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज का जो आपका हमारी क्लास रहेगी उसमें बेसिकली जो आपका सेंटर का एग्ज़ाम था बीकानेर एआरओ का, उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में जो आपके बीकानेर के क्वेश्चन थे वही आपके गंगानगर, पालमपुर, हनुमानगढ़ या फिर जो जैक सेंटर था आपका, उसमें जो है वो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। ऑल ओवर आपके ऑल इंडिया का एग्ज़ाम जो है वो 50-60% जो है वो कॉमन ही रहता है। तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछे गए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारा मंडी एआरओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप यहां विजयपथ एजुकेशन से आर्मी की क्विज, आर्मी के मॉक टेस्ट पेपर जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 200 से ज्यादा जो है वो आपको मॉक, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। बाइलिंगुअल आपके रहते हैं, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग और क्लरिकल के लिए इंग्लिश। तो 200 से ज्यादा आपके यहाँ पे मॉक जो है वो आपको मिलने वाले हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, ये आपको ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें। और जब भी आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं आर्मी अग्निवीर 786 का, जब आप कूपन कोड अप्लाई कराते हैं तो आपको डायरेक्ट 25% का ऑफ जो है वो डायरेक्ट डिस्काउंट वहां पे आपको मिलेगा। तो काफी बड़ा मौका है, जल्दी से आप इसको जो है वो गेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो पहला आपका, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम में ऑप्शन बनाना थोड़ा सा लेंथी वर्क रहता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है वो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1913 में मिला था। अगर आपने विजयपथ एजुकेशन में क्लासेस जो है वो प्रॉपर एक वे में लगाई हैं तो जो भी हमारे जीके का सेक्शन था ऑल ओवर, उसमें से 95% जो है वो आपका जीके और साइंस वहीं से ही कवर हुई थी। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आपके बाहर से आए थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पे जो है वो आपके माइंड में डायरेक्ट हिट हुए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो संबंध रखते थे हॉकी से। हॉकी के ये काफी बड़े प्लेयर थे, हॉकी का जादूगर भी इनको जो है वो कहा जाता था। तो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंध रखते थे। ये आपके बीकानेर सेंटर का मैं यहाँ पे आपको पेपर एनालिसिस करवा रहा हूं। साथ में हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है वो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर पालमपुर एआरओ में भी पूछे गए हों। तो इसी टाइप से आपका पेपर था, आपका पेपर काफी इजी वे में यहाँ पे पूछा गया था, बच्चों के अकॉर्डिंग काफी इजी पेपर था। तो मेरिट जो है वो हाई जाने का यहाँ पे ज्यादा चांस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो उनको जो है वो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में बोला जाता है। और अगर मैं ऋषभ देव की बात करूं तो वो पहले तीर्थकर थे। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर पहले तीर्थकर की बात आती है तो ऋषभ देव आएगा, और लेकिन जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी आएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे ठीक है, और साथ में कॉमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किस एआरओ का आपने एग्जाम दिया है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो वहां पर पूछे गए थे। जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपके क्वेश्चन के बेस्ड के ऊपर जो है वो एक कंप्लीट पेपर का एनालिसिस जो है वो वहां पर करने वाले हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो स्टैटिक जीके से डायरेक्ट हिट हुआ क्वेश्चन यहां पे पूछा था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, राधाकृष्णन
जो थे वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 5 सितंबर को जो है वो टीचर डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भी आपके ऑप्शन थे तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हिट हो रहा था, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, जो प्रेसिडेंट हैं भारत के द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है वो मुख्य न्यायाधीश की जो है वो नियुक्ति की जाती है। उससे अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो जो भी वहां पे ऑप्शन दिए गए थे उसमें से बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो एक ऑप्शन आपका दिया गया था विश्व भारती का, विश्व भारती का जो है एक ऑप्शन दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो विश्व भारती की स्थापना जो है वो की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जितने भी अभी तक आपके जीके के सेक्शन के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे आपके जो है वो स्टैटिक क्वेश्चन रहे हैं। जितने भी हमें बच्चों से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पे आपके एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार जो है वो है आपका लद्दाख का पठार, ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख का पठार जो है वो सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर सबसे बड़े की बात की जाएगी तब उस केस में आपके पास आएगा दक्कन का पठार, ये आपको ध्यान में रखना। शायद दोनों ही ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे, तो ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट रह गया था कि दक्कन पे करना है या लद्दाख पे करना, तो आपको ध्यान में रखना जब ऊंचे की बात आएगी तो लद्दाख, लेकिन बड़े की बात आएगी तो दक्कन। उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये पाया जाता है खून में, तो ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। काफी कॉमन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, साथ में इसी टाइप के आर्मी के हर टाइप के अपडेट के लिए आप विजयपथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था, तो 120 से 80 mm of Hg, ये जो है ये इसका राइट आंसर था। काफी इजी वे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और अगर मैं पिछले एग्जाम की बात करूं, जो आपका ARO हमीरपुर या हिसार का जो आपका एग्जाम हुआ था, वो इसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो टफ जो है वो वहां पर पूछा गया था। लेकिन जो अभी आपका एग्जाम हुआ है जैक सेंटर का या फिर पालमपुर ARO का या फिर जो भी हमारे बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर, जो भी आपके अभी एग्जाम हुए हैं 13 नवंबर 2022 को, वो सारे के सारे एग्जाम का जो पैटर्न था वो काफी ईजी वे में जो है वो पूछा गया था। तो अगर आपका पैटर्न जो है वो पेपर का काफी ईजी है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मेरिट है वो भी कुछ हद तक हाई जो है वो जाएगी। उसके बाद जनरल साइंस का अगला क्वेश्चन था, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर जो है वो आपका होता है 746 वोट का, 746 वोट का जो है आपका वो हॉर्स पावर होता है। उसके बाद मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ पे जोड़ों की बात नहीं बोली गई थी, अगर जोड़ों की बात होती तो आना था यहाँ पे 23 जोड़े गुणसूत्र, लेकिन टोटल पूछे हैं कितने गुणसूत्र हैं, तब उस केस में आएगा 46 गुणसूत्र जो है वो मानव शरीर में पाए जाते हैं। उसके बाद प्रदूषण के लिए जिम्मेवार क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन के ऊपर वो ये डिपेंड करता था, तो ऑप्शन वहां पे कुछ दिए गए थे जिसमें से धुआं जो था वो इसका एप्रोप्रिएट आंसर था, तो धुआं जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनना था। प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? धुआं जो है वो प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर का पूछा गया था, कंप्यूटर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग मतलब एक्सटर्नल पार्ट, जिसको कि टच किया जा सकता है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे अभी अगर आप आपके हाथ में अगर मोबाइल है, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो जो आपके पास मोबाइल है वो आपका एक टाइप का क्या है? हार्डवेयर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो वीडियो वहां पे चली है वो जो है वो उसका एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जनरल साइंस से, जनरेटर से कौन सी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है? तो आप सभी को पता होगा जब भी लाइट चली जाती है होटल्स में या फिर जब भी किसी के घर में शादी होती है, जनरेटर का हम यूज करते हैं, तो जनरेटर का मेन पर्पस क्या है? बिजली के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए जो है वो इसका
यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को जो है ये प्रोड्यूस करता है, विद्युत ऊर्जा को ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद अगर मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, जितने भी हमारे पास यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन मैथ के मिल पाए थे बच्चों से, क्योंकि जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट उनके माइंड में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो हमें हल्का सा यहाँ पे बताया था कि एक साधारण ब्याज का ऐसा ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे जो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था उसमें पीआरटी बाय 100 का आपका फॉर्मूला जो है वो लगना था, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100, जिसमें से साधारण ब्याज 180 दिया गया था, प्रिंसिपल आपसे मतलब मूलधन आपसे पूछा था, दर 5% थी, टाइम जो है वो 3 साल था, और नीचे 100 से डिवाइड करना था। तो जब भी आप पी की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे तो 180 गुणा 100 और 5 और 3 जो है ये आपका चला जाएगा नीचे, तो 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार और ये आपका कट जाना था 60 बार, 60 को 20 से करेंगे तो आपका आंसर आना था 1200। तो जो प्रिंसिपल था वो था आपके पास 1200, 1200 आपके पास मूलधन था। उसके बाद परसेंटेज से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपका परसेंटेज में हर बार आपका पूछा जाता है, 101% जो है, अब 99 की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, 101% जो है आपका किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी साल में आपका ये पेपर जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो कितने लड़के यहाँ पे होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादातर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर पूरी एक कोई क्लास है उसमें से कुछ बच्चे हैं 70% जो है वो अगर लड़के हैं, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी, 30% वहां पे लड़कियां होंगी। तो अगर मैं बात करूं प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो 30% जो है वो लड़कियां हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 255 जो है वो लड़कियां हैं। तो 1% की वैल्यू है 255 और डिवाइड बाय 30, और कितने की आपको पूछी है यहाँ पे, लड़कों की वैल्यू पूछी है, तो लड़के कितने हैं 70%, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 से आपका 255 यहाँ पे कटेगा, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 85, और 85 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 595 जो है वो यहाँ पे टोटल जो है वो लड़के यहाँ पे इस क्लास में रहेंगे। तो ज्यादातर यही टाइप जो है वो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें एक गुणनखंड से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, कुछ इस टाइप का आपका क्वेश्चन था, अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ एरर है तो आप यहाँ पे कॉमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x-2, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, प्रॉपर आंसर तो हमें इसका मिल नहीं पाया है क्वेश्चन, सॉरी, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना है तो x² आएगा, फिर x को 7 से करना है तो 7x आएगा, फिर इस 2 को x से करना है तो -k 2x, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 2 को 7 से किया तो 14, यहाँ पे x² एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9 बन जाएंगे 9x, और प्लस के 14। तो ये जो है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करें यहाँ पे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आर्मी से रिलेटेड नई अपडेट यहाँ पे निकल के आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की गई थी, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात की गई है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया आपके पास दिया गया है 260। अगर मैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो आधार गुणा ऊंचाई जो है वो इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहता है, आधार गुणा ऊंचाई ये आपके पास दिया गया है 260, जिसमें से आधार जो है ये दिया गया है 26, तो 26 ऊपर से आप यहां से चला जाएगा नीचे, तो 260 डिवाइड बाय 26, 26 से 260 कटेगा तो आपके पास आंसर आएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो इसकी ऊंचाई यहां पर रहेगी। तो मैथ के इतने ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल हो पाए थे मिलने के लिए, और रीजनिंग का यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मिले थे बीकानेर सेंटर के, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, शायद आपके पालमपुर एआरओ में भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया था। कॉमेंट में आप जरूर बताएं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अगर यहाँ पे बात करूं मैं
गैप की जो 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो पैटर्न चला है 3 4 5 और 6 का, तो 16 और 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 22। तो इस रीजनिंग के इस क्वेश्चन का नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा हमारे पास 22। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो स्क्वेयर का पैटर्न चला है, 1 का स्क्वेयर, फिर 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, ये 4 का स्क्वेयर, ये 5 का स्क्वेयर, तो अगला आएगा 6 का स्क्वेयर, मतलब कि 36 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 का गैप था, यहाँ पे बात करूं 20 का गैप था, यहाँ पे बात करूं तो 80 का गैप था। ये मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पे चला था, (4)(4), तो अगला 18×4 जो है वो आपके पास आएगा 320, और 107 और 320 जो आपके पास बनेंगे वो बनेंगे 427। तो इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहा था। तो ये हमने मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। एआरओ बीकानेर का जो आपका एग्जाम सेंटर था, वहाँ से हमारे ये कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने उठाए थे, और आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है। तो मिलेंगे जल्दी ही एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम पालमपुर एआरओ का कंप्लीट पेपर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा हुआ है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, वो भी हम अगले जो वीडियो है उसमें हम एक बात ये डिस्कस करेंगे कि कितनी मेरिट जो है वो जा सकती है, कितनी संभावना है मेरिट जाने की, कितने बच्चे वहाँ पे उठाए जाएंगे। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छा गया है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।